माइसेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके मेथड जो आप लोग जो पढ़ रहे हो वहां पर एक प्रश्न आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेटिव अप्रोच, गिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है और के लाभ और जो उसकी हानियां हैं वो आप में बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेट क्या होता है। कम्युनिकेट होता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग टू अदर्स, जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं, टॉक कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तब हम किस अप्रोच के तहत बातचीत के द्वारा हम बच्चों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं, वो भी जबकि जब हम अंग्रेजी में उन्हें बताएं। तो बिफोर टीचिंग इंग्लिश ए टीचर शुड अंडरस्टैंड देन ही नॉट बी बिल्ट टू टीच स्टूडेंट्स इफ स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, कि ये बात कहता है कि आपको अंग्रेजी पढ़ाने से पहले प्राध्यापक को यह समझना चाहिए कि वह जिन छात्रों को यह ज्ञान दे रहा है क्या वह ढंग से सुनने वाले हैं, और द स्टूडेंट शुड बी एक्टिव एंड लर्न इंग्लिश बाई एक्सचेंजिंग देयर थॉट्स विद वन अनदर, और जब विद्यार्थी शुड बी एक्टिव, जब वह जागरूक होते हैं पढ़ने और सीखने के लिए, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने विचारों को एक दूसरे को प्रदान करते हैं, तब विचारों के कम्युनिकेट से वो ज्यादा सीखते हैं। और द मोर ए स्टूडेंट स्पीक्स द मोर इंग्लिश लैंग्वेज ही विल लर्न, और एक व्यक्ति एक विद्यार्थी उतनी ही अंग्रेजी को बोल सकता है जितनी की वह सीखा हुआ हो। इतनी की वह सीखा हुआ हो। Therefore, students should be given chance to say something to their classmates, और therefore students, और वहां पर विद्यार्थी क्या करते हैं, should be एक दूसरे को चांस देते हैं, मौका देते हैं अपने साथियों से बात करते हुए एक दूसरे को अंग्रेजी सीखने का चांस देते हैं। और किस लिए, नॉट ओनली दिस, केवल यही बात के लिए नहीं, बेबी का, बट ऑल्सो दे शुड लिसन टू देम, केवल इसी बात के लिए जो सीख जाते हैं, वह अंग्रेजी को अपने कानों से भी सुनना चाहते हैं। वी सी इफ ए स्टूडेंट डज नॉट कम्युनिकेट हिज थॉट, हम ऐसे विद्यार्थी को देखते हैं कि जो कि अपने विचारों को कम्युनिकेट मतलब बता नहीं पाता है विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे छात्रों के सामने, ही रिमेन्स लाइक डम एंड डल, और वह दूसरे छात्रों के सामने अपने आप को बुद्धू और एकदम कर्मण्य साबित करना करते हुए दिखाई पड़ता है। In order to make students active, the teacher should create, और बिल्कुल यही प्रकार से यही देशन में हमको क्या चाहिए कि विद्यार्थी को active जागरूक, the teacher should create, और विद्यार्थी को भी जागरूक होना चाहिए और प्राध्यापक को भी जागरूक करना चाहिए। Such a situation that students should convey their ideas to others, कि प्राध्यापक को चाहिए कि वह बच्चे को जागरूक करे ताकि वह अपने विचारों को कन्वे किसी तक पहुंचा सके, दूसरों तक वह ढंग से पहुंचा सके। This approach is a like a discussion method, हम इस method को, वो क्या होती है, बात विवाद, जो कि हम बहस कहते हैं, बहस का मेथड भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये जो आपका कम्युनिकेट जो अप्रोच है वो आपका बात
विवाद वाला ये विषय है, ये आपका टॉपिक है कि जहां पर हम बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, बच्चे को बोलना सिखाते हैं, बातचीत करना सिखाते हैं। वी गिव अ टॉपिक एंड वी सेल द ऑल ऑफ स्टूडेंट कि यू कम्युनिकेट ऑन दिस टॉपिक एंड टॉक टू विद देम एंड विद देयर क्लासमेट्स, कि वह बच्चे अपने सहपाठियों और अपने दूसरे छात्रों के साथ में बातचीत करें और बातचीत के साथ में ये भी सीखते चलें कि वह कैसे काम को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मेरिट्स क्या है इसकी, हम इसकी मेरिट्स की अगर हम बात करें, मेरिट्स मतलब लाभ, तो सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है मेरिट्स में बाद विवाद, स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑलवेज आपका रिमेन एक्टिव इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वह खुद के विचारों को बताने के लिए या हर समय क्लास में एकदम प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं, अपनी क्लास के भीतर जागरूक रहते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, स्टूडेंट गेट न्यू आइडियाज विद्यार्थी नए विचारों को प्राप्त करते हैं एंड देयर फॉलोज और उनको मानते भी हैं। पहला जो है फायदा कि विद्यार्थी अपनी कक्षा में जागरूक रहते हैं, दूसरा फायदा यह है इसका कम्युनिकेटिव अप्रोच का कि विद्यार्थी नए विचारों को पाते हैं और उनका मानते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है दे डेवलप द आर्ट ऑफ स्पीकिंग कि बच्चे अपने बोलने की प्रतिभा को विकसित करते हैं। और पॉइंट नंबर चार है स्टूडेंट्स डू नॉट फील बोर्डम कि विद्यार्थी अपने आप को बोर होना यानी कि उदासीन भी नहीं होते हैं, बोर भी नहीं होते, ना ही उनको फील होता है कि वह बोर हो रहे हैं। पांचवा जो मेरिट है व्हेन स्टूडेंट कम क्लोजली, जब बच्चे बहुत पास आते हैं एक दूसरे के, दे डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, तो वह अपने भाईचारे की भावना का भी विकास करते हैं। पहली बात तो क्या है कि डोंट गेट बोर कि वह बोर नहीं होते, और पांचवा है कि वह भाईचारे को विकसित करते हैं, भाईचारे को सीखते हैं। तो ये पांच फायदे हैं इसके कम्युनिकेटिव अप्रोच के, और जो पांच जो इसकी हानियां हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, पहली जो डीम मेरिट्स है, हानि जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, फर्स्ट जो है कि दिस अप्रोच रिग्लेक्ट क्या आर ए डी आई एन की
और पढ़ने को ये साइड कर देता है, मतलब उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लिखने और पढ़ने पे ये केवल बातों पर ही ध्यान देता रहता है, या मतलब हम केवल बातचीत पर ज्यादा बातें करते रहते हैं और लिखने और पढ़ने पर इतना ध्यान नहीं देते। सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस अप्रोच इज नॉट फिट फॉर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। ये अप्रोच जो है, जो बच्चे कैसे होते हैं संकोची, ऐसे बच्चों के लिए यह काम ढंग से नहीं करता, क्योंकि जो बच्चे बोलना जानते हैं वो तो बोल लेते हैं, जो लोग नहीं जानते वो अपने शांत बैठे रहते हैं। तो इसलिए ये सेकंड जो बच्चों के लिए, जो कि नहीं बोलने में अपने अच्छे नहीं होते, उनके लिए ये सही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, इफ ए स्टूडेंट स्टैमर्स, अगर कोई बच्चे को हकलाहट है, जैसे कि थोड़ी बहुत हमें है ना, तो जैसे किसी बच्चे को हकलाहट है, ही सफर्स फॉर इनफर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो वह बच्चा जो कि हकलाता होगा, वो बच्चे के मन में एक प्रकार की असुरक्षित भावना का भी उसके भीतर विद्यमान रहेगी और वह बोलने से भय होगा उसको। अच्छा, फोर्थ उन्होंने कहता है, फोर्थ जो है वो कहता है, समटाइम्स समबडी से समथिंग, बहुत से लोग बहुत से लोगों से बहुत कुछ कहते हैं, लिसनर टेक्स इट अदर सीन, और हम इसको दूसरे प्रकार में देखते हैं, सो इट मेक क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, और जब वह बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ वो सुन लेते हैं और बहुत जब कर लेते हैं, तो वह स्वयं भी नहीं समझ पाते कि ये क्या वो कर रहे हैं या क्या उन्होंने किया है। तो ये आज आपको मैंने बताया कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में, ठीक है, और सेंटेंस आपके हो चुके हैं पूरे, डायरेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सब मैं बता चुका हूँ। अंग्रेजी का जो कोर्स है वो मेरे विचार से आज आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आपके पेपर 11 तारीख को है, तो एक दो मेथड और भी आपको बता दूंगा, केवल अब मेथड बचे हैं, और आपको कल स्टोरी को भी कैसे कंपोजिशन के बारे में भी आपको मैं कल बताऊंगा। तो आज आपके पास इतना ही पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार।